केंद्रीय संरक्षित स्मारक रेजिडेंसी के विनियमित क्षेत्र में अवैध अपार्टमेंट बनाना बसपा के पूर्व सांसद दाऊद अहमद को भारी पड़ा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने 3 जुलाई को इसे ध्वस्त करने का आदेश पारित किया था, जिसके बाद रविवार सुबह जिला प्रशासन ने इसे गिराने का काम शुरू कर दिया। दोपहर तक बिल्डिंग का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त कर दिया गया। बिल्डिंग करीब 100 करोड़ की लागत से बनी है। पूर्व सांसद दाऊद अहमद ने रिवर बैंक कॉलोनी के पीछे अवैध तरीके से 6 मंजिला अपार्टमेंट खड़ा कर लिया था। इसका निर्माण केंद्रीय संरक्षित स्मारक रेजिडेंसी बिल्डिंग के विनियमित क्षेत्र में किया गया। पुरातत्व विभाग ने इसका निर्माण रोकने के लिए काफी प्रयास किया। LDA लखनऊ के DM और कमिश्नर सहित तमाम अधिकारियों को पत्र लिखे, लेकिन किसी ने निर्माण नहीं रुकवाया। इसमें 6 मंजिला इमारत खड़ी हो गई। सुनवाई न हुई तब केंद्र सरकार के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को निर्णय लेना पड़ा। पुरातत्व विभाग के संयुक्त महानिदेशक ने 3 जुलाई 2021 को इसे ध्वस्त करने का आदेश पारित किया, जिसके बाद रविवार 4 जुलाई को जिला प्रशासन और पुरातत्व विभाग की टीम इसे गिराने में लग गई। इसमें LDA की भी मदद ली गई। अधिकारियों ने बताया कि इसे इस तरह क्षतिग्रस्त कर दिया जाएगा ताकि भविष्य में ये उपयोग करने लायक न रहे। आपको बता दें कि LDA ने दाऊद अहमद को बिल्डिंग बनवाने की पूरी छूट दे रखी थी। बिना पुरातत्व विभाग की NOC के नक्शा भी पास करा लिया था। दाऊद अहमद ने इसका नक्शा एकल आवासीय पास करवाया था, लेकिन निर्माण बहुमंजिला करा लिया। पूरी बिल्डिंग अवैध थी। लगातार शिकायतें होने के बावजूद LDA ने केवल कहने को बिल्डिंग सील कराई, लेकिन सख्ती से निर्माण नहीं रुकवाया। इसके साथ ही ध्वस्त करने का आदेश भी नहीं पारित किया और ना ही गिरवाया। के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।